कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो चाहते हैं कि उनकी नाक का शेप बेहतर हो जाए और वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाए और काफ़ी सारे इंटरनेट पे वो सर्च करते हैं लिक्विड राइनोप्लास्टी या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी। तो आपको समझना होगा कि यदि राइनोप्लास्टी एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसमें मतलब कई बार बहुत माइनर सा चेंज करने की जरूरत रहती है और कई बार काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, कई बार आधा घंटे का प्रोसीजर रहता है, कई बार 4-5 घंटे भी लगते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी नोज में क्या प्रॉब्लम है, कितना हमें करेक्शन करना है, क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि सर्जिकल राइनोप्लास्टी होगा या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी होगा। मोस्ट ऑफ द सर्जरीज या मोस्ट ऑफ द नोज जो हमारे पास आती हैं उसमें 95% में आपको सर्जिकल राइनोप्लास्टी ही करना रहती है। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी बहुत ही थोड़े केसेस होते हैं जिनमें पॉसिबल रहती है। तो किस तरह के केसेस में हो सकती है, एक्चुअली जो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी है उसमें हम लोग कुछ इंजेक्शन करते हैं, फिलर का या फैट का इंजेक्शन करते हैं जहाँ भी कहीं डिप्रेशन रहता है। तो ऑब्वियसली यदि आपकी पार्ट नोज को ऑगमेंटेशन करने की जरूरत है या कुछ पार्ट को भरने की जरूरत है, फिल करने की जरूरत है, तो ही ये यूजफुल रहती है। सच एज कि जैसे नाक अगर दबा हुआ है कुछ हिस्सा, उसको थोड़ा सा हाइट बढ़ाना है तो वहाँ कर सकते हैं। टिप दबा हुआ है, टिप का प्रोजेक्शन बढ़ाना है, उसको कर सकते हैं। टिप डाउनवर्ड है, उसको ऐसा दिखाना है कि उसका प्रोजेक्शन सही है, तो उसमें फिलर कर सकते हैं। कई बार कुछ स्कार का डिप्रेशन है फेस पे नोज में, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें कि ये पॉसिबल रहती है। तो ये जो हम लोग आपसे केस डिस्कस कर रहे हैं इसमें कुछ पहले एक राइनोप्लास्टी हो चुकी है, राइनोप्लास्टी के कॉम्प्लिकेशन के रूप में कुछ डिप्रेशंस बने हुए हैं, अनइवननेस है, उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग उसमें इंजेक्शन लगाएंगे। ये जो इंजेक्शन रहते हैं फिलर्स रहते हैं, सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल रहता है, इनर्ट मटेरियल रहता है जो बॉडी में डालने के लिए ही बना गया है। एक इसका जो नेगेटिव पॉइंट रहता है कि ये टेम्प्रेरी रहता है, मतलब कि ये कुछ महीनों तक रहता है, उसके बाद आपको या तो फिर से करना पड़ता है या फिर आप उसमें आगे आके कई बार फाइब्रोसिस हो जाती है तो कुछ ना भी करने की जरूरत पड़े, लेकिन आमतौर पर 10 से 11 महीने में ये फिलर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आप उसमें और करेंगे तो वो जो गैप है 10 महीने का वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है, मतलब आपको अधिक अधिक समय में कराना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे फाइब्रोसिस होती है। तो कई बार पेशेंट जो शादी रहती है उनकी या कुछ ऐसे फंक्शन में जाना रहता है उसके पहले उसको कराते हैं, या जिंदगी में 1 या 2 बार कराते हैं, तो उसका उनका लाइफ टाइम तक वो उसका असर भी रह सकता है। जो फैट इंजेक्शन रहता है वो भी किया जाता है, कई बार फेस में डिप्रेशन रहता है या दूसरे पार्ट में डिप्रेशन है उसे भरने के लिए, लेकिन नोज में आमतौर पर फिलर जो है सिलिकॉन फिलर है वो प्रिफर किया जाता है। हमारी जो पेशेंट है 30 ईयर ओल्ड फीमेल है जिनका राइनोप्लास्टी किसी दूसरे सेंटर में करीब 6 महीने पहले हुआ है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ डिप्रेशन क्रिएट हो गए हैं जो उसे अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें हम्प भी था पहले सर्जरी से पहले, हम्प को अधिक निकालने की वजह से वहाँ पर डिप्रेशन है, और साथ ही लेटरल पार्ट ऑफ द नोज में भी ऑस्टियोटोमी या बोन ब्रेक की गई थी, उसकी वजह से वहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट हुआ है। सो ये जो मल्टीपल डिप्रेशन है इसे हम लोग को फिलअप करना है, इसे हम लोग फिलर्स के द्वारा करेंगे। सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल रहता है जो कि टेम्प्रेरी बॉडी में रहने के लिए बना है, लगभग 10 से 12 महीने तक ये रहता है। जो प्रोसीजर रहता है हार्डली 5 मिनट से भी कम समय लगता है और पेशेंट के लिए बिल्कुल आसानी से टॉलरेबल प्रोसीजर है। इसमें मतलब पेन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होता है और आफ्टर केयर भी कोई ज़रूरत नहीं रहती, तुरंत आप काम पे जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो डोर्सम में डिप्रेशन था उसे हमने इंजेक्शन के द्वारा फिलअप कर दिया है, अब इसी तरह से साइड में हम लोग फिल कर रहे हैं। जो कॉस्ट रहती है वो डिपेंड करती है हम लोग कितना सीसी मटेरियल यूज़ करना पड़ रहा है राइनोप्लास्टी के लिए। रफली जो कॉस्ट रहती है अराउंड 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में मोस्टली हो जाता है। यदि वॉल्यूम का ज़रूरत कम रहती है या ज़्यादा रहती है तो उसके हिसाब से कॉस्ट कम या ज़्यादा हो सकती है। अभी इस समय कुछ रेडनेस दिख रही है, इन्फ्लेमेशन रहती है जो कि अगले कुछ दिनों तक, कब से 8 से 10 दिन तक में रहेगी और वो ग्रेजुअली सबसाइड हो जाएगी, जो इसमें इन्फ्लेमेशन या रेडनेस विजिबल हो रही है। ये जस्ट इमीडिएट पोस्ट ऑप आप इमेज देख सकते हैं, जो हम था वो अब नहीं दिख रहा है, जो डिप्रेशन था वो गायब हो गया है क्योंकि हमने ऊपर से नीचे तक उसे एक जैसा लेवल पे कर दिया है।